कुरुक्षेत्र दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सैनी समाज के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का सीएम मनोहर लाल ने अनावरण भी किया। महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने कुल 52 लाख रुपए देने की घोषणा भी यहां पर की है। बता दें कि हर साल महापुरुषों की याद में सम्मान समारोह आयोजित होता है। ज्योतिबा फूले समाज सुधारक और शिक्षा को समर्पित थे, सीएम मनोहर लाल ने ये कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और महिला स्कूल शुरू किया है। 150 साल पहले ज्योतिबा फूले ने पानी बचाने की मुहिम शुरू की थी और आज हमारी सरकार पानी बचाने की दिशा में भी काम कर रही है। और उस दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मनोहर लाल यहां पहुंचे कुरुक्षेत्र दौरे पर और इस दौरान उन्होंने ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर जहां सूचना आयुक्त के चयन को लेकर बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है जहां उन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है जिसमें एक चेयरमैन और कुछ सदस्यों की नियुक्ति होती है। पहले 5 साल होता था कार्यकाल और अब बाद में 3 साल कर दिया गया। 3 पोस्ट के लिए 150 के करीब नाम आए थे। कमिटी की तरफ से आए हुए नामों की स्क्रूटनी की जाती है। 3 सदस्यों के नाम रिकमेंड करके राज्यपाल को भेजे गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां चेयरमैन को लेकर के यहां पर बताया गया। जैसा आपको पता है कि अपने यहां राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जो बना हुआ है तो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन उसमें एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति पहले 5 साल के लिए होती थी, वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है और उसमें अभी कुछ पोस्ट खाली थी तो हमने 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया था और 3 पोस्टों के लिए लगभग 150 के आसपास नाम आए थे और बाद में उसकी एक स्क्रूटनी की जाती है और सर्च कमेटी के नाते से चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी होती है। जितने मेम्बर सेलेक्ट करने होते हैं उससे 3 गुना वहाँ से सिलेक्शन करके वो रिकमेंड करके भेजते हैं और उस 3 गुना में बाद में एक कमेटी रहती है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कोई एक मंत्री, उस नाते से वो कमेटी उस 9 में से 3 मेंबर्स जिनको रिकमेंड कराना, जिनको सेलेक्ट कराना होता है उनके लिए रिकमेंड करते हैं और वो 3 मेंबर रिकमेंड करके अब हम गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब अंतोगत्वा निर्णय लेकर के और उनको जब चाहेंगे तब ओथ के लिए बुलाएंगे। तो आज 3 मेंबर्स का एक रिकमेंडेशन हमने भेजा है गवर्नर साहब को। इतना ही काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, मंत्री में हमारे मूलचंद शर्मा वो भी साथ, तहसीम कमेटी की मीटिंग आज हुई है। ऐसा है कि हम रिकमेंड करते हैं गवर्नर साहब को। अब गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव है कि उनको नियुक्ति दें, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे नाम बताने चाहिए।